साहब
हियरिंग को खत्म कर दिया। आई थिंक देयर आर मोर थिंग्स टू डू, सो इट्स सिर्फ बाल जरूरी नहीं है। और कुछ भी है, कई लोगों ने हाथ दोनों बार खड़ा नहीं किया, कुछ और भी करना है, सिर्फ बैठो ना, कुछ क्या करना चाहते हैं, कुछ जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, कुछ सात आठ लोग जिन लोगों ने हाथ नहीं, दोनों तरफ नहीं खड़ा है, आप बताइए मुझे क्या करना चाहते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, आपने शायद हाथ नहीं खड़ा किया, दोनों बार नहीं किया ना, कहीं तो है, समझ नहीं हो पाई है, लेकिन
जिसमें आप एक्सपीरियंसेस बनाते रहते हैं और एज एन एक्टर बड़े काम आते हैं, और आपको जरूरी नहीं है कि आप उन एक्सपीरियंस के बारे में अवेयर हो. दिस इज माय टाइम टू ऑब्जर्व. आई वुड से इट्स नॉट लाइक नाश्ता, लंच, डिनर. इट्स विद एवरीथिंग. आप एक्सपीरियंसेस, अब जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, एक अपने आप में एक्सपीरियंस है. हल्दी पालती मार के बैठे हुए हैं, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आधे घंटे बाद ऐसे करने का मन कर रहा है. ये कब होगा जब आप इसको एक्सपीरियंस करें. हमारे लिए तो हर वक्त लर्निंग है. हम हर वक्त सीख सकते हैं, हर वक्त चीज़ें जाने अनजाने हमारे अंदर जमा होती रहती हैं और हम उन्हें कभी भी यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं. ये मज़ेदार चीज़ है. और बात आती प्रेपरेशन की. सर आपने कहा कि लॉट ऑफ पीपल आल्सो गेट प्रिपेयर्ड व्हेन इट कम्स टू फैमिली फर्स्ट. सो क्या आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया आपके फैमिली के साथ? उनको लगता था कि क्या ड्रामे कर रहा है, इसमें क्या है ना. इसलिए मैं जैसे मैं ड्रामा स्कूल में पढ़ता था, शाम को मैं कुछ फंक्शन होते थे ना, एंकर भी करता था सिंगरों के साथ या कुछ के साथ. तो एक बार किसी ने मुझे 200 रुपये दे दिए. भाई मेरे फादर ने कहा कि 200 रुपये लाया. बट फिर धीरे धीरे जैसे उनको लोग कहने लगे कि यार ये बहुत अच्छा करता है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ड्रामा में, तो फिर उन्होंने ऐसा कहा देखो मैं अभी एक साल दे रहा हूँ, जो करना है तो कर लें. फिर वो एक साल तक कभी नहीं हुआ. फिर चलती गई. आई थिंक मेरे को सपोर्ट
जो मुझे लगता है आप शायद आपके इंतजाम है। बहुत सारी चीजें जो है आप पढ़ते रहते होंगे आजकल, तो गुड मॉर्निंग भी स्टे पॉजिटिव लिखा होगा व्हाट्सएप में, बहुत सारी चीजें आती रहती है, बट वो सच है। क्योंकि मेरा एक रूममेट था, हम लोग उसी रूम में रहते हैं, उसको कहता था देख इस छत के नीचे, हम वन रूम पिछले अपार्टमेंट में रहते हैं, इस छत के नीचे ना 1 लाख रुपया बैठा हुआ, 50 मेरा 50 तेरा, 50,000 मेरा 50,000 तेरा, लेकिन कोई कदर नहीं डाल रहा। बात हमारी कीमत इतनी है, जाने को काम दे देते हैं तो काम दे देंगे। तो फिर मुझे लगता जैसे मैं आपसे एक्सपीरियंस की बात कर रहा था, जो सबकॉन्शियस में बैठे रहते हैं, आई फील लकी टू बी पार्ट ऑफ द जर्नी, बिकॉज मुझे उस वक्त भी लगता था कि ये रूम में जो खाना बनाने का एक्सपीरियंस है, नीचे सीढ़ियों से उतरने का, मकान मालिक से कहेंगे तो सर परसों आ सकते हैं, वो आपके पास दोबारा नहीं आता। सो गैदर टू एक्सपीरियंस ब्यूटिफुल, ईश्वर कहीं ना कहीं जो प्रकृति है किसी भी रूप में नेचर आपको एक्सपीरियंसेस गेन करने के चांसेस दे रही है। एज एन एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे तो हम व्यक्त क्या करेंगे, हम लोग उसको दिखाएंगे। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उस वक्त भी लगता था यार ये मौका दोबारा नहीं आने वाला, हालांकि हाथ में कुछ भी नहीं था, अंदर से फील होता है ना कि नहीं कुछ हो जाए, ये मौका दोबारा एक्सपीरियंसेस गेन करने का कुछ नहीं आने वाला। तो ये जस्ट लिव इट मोमेंट में रह के जीना हम लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए बट आर्टिस्ट के लिए ज़्यादा, क्योंकि जब तक हम अंदर गैदर नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हम लोग दिखाएंगे आपको पता चल जाता है। कई बार आप फिल्म देखते हैं समय हो सकता आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं।
माइंडसेट लोगों का उसको देखने का, अगर सुबह 5 बजे का नहीं है मम्मी के सामने 5 बजे से तक नहीं लगता तो उस समय आपकी बॉडी के सामने रात के 3 बजे का जब नींद आ रही है। सो उसी तरह से भी एक दिन की बात होगी, उसी तरह एक सारे फेज की बात है कि किस वक्त आप क्या कर रहे हैं। कई चीजें इस टाइमिंग इम्पोर्टेंट बहुत आवश्यक है और वो बहुत अहम हिस्सा है परफॉर्मेंस में भी और आपके परफॉर्मेंस को दिखाने में भी। मेरी बातें समझ में आ रही है? Concentration
writing is about me. So this is what I think. So is the process that is important to go through to realize what is concentrated, what is not. But eventually, धीरे-धीरे करते-करते जो main मुद्दा आपको समझ में आने लगता है वो है it is about communicating. So that's how you get your concentration. Communicating से मतलब है कि जो आप अगर आप फिल्म में काम कर रहे हैं तो आपका कैरेक्टर स्टोरी कम्युनिकेट करना चाहिए. जो आपका डायलॉग है पहले सबसे पहला तो है वो आपको कम्युनिकेट करना चाहिए. फिर आप उसके अंदर कोशिश करते हैं कि आप जो स्टीरियो टाइप्स हैं उसको ब्रेक करो. फिर आपकी कोशिश होती है लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट स्टीरियो टाइप से पहले आपका अपना एक्सप्रेशन क्या है. जैसे मैंने कहा कि आपका अपना एक्सप्रेशन होगा आपके अंदर से आएगा तो सो रिलेटेड योर एक्सपीरियंस. एक तो तुम्हें पता ही कि डायलॉग है चैलेंज इन दैट स्टोरी कैसे कम्युनिकेट करनी है. और बिकॉज टेलीविजन शो का लिमिटेड बजट होते तो आपको उसी घर में हर बार ये कम ऑफ विद अ न्यू स्टोरी और विद इन दैट आप क्या कर सकते हैं क्या वो एक मजेदार जर्नी थी. चाहे मतलब आई वांटेड टू इट मुझे बड़ी अच्छा लगता है बिना डायलॉग कैसे करके देखते हैं और फिर उसके अंदर चीज निकालेंगे करते करते चैलेंजेस एक तो उसका मजा भी था डायलॉग नहीं आते लेवल पे लेकिन जो मुश्किल चीज थी कि कम्युनिकेट कैसे करें वो एक चैलेंज था. करते करते आ जाता है मतलब करते करते जैसे लगा स्टोरी पहले कैसी होनी चाहिए इसके अंदर आपको डायलॉग की आवश्यकता ही ना हो. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज आप उससे कम्युनिकेट कैसे करें. उसके अगला स्टेप है आप उसको खूबसूरत कैसे बनाएं उसको फनी कैसे करें. सर हर कैरेक्टर का आपका वॉइस एकदम डिफरेंट रहता है एकदम फॉर्मेट रहता है तो आप वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं. मेरे को लगता है कि सही बना लेना बहुत जरूरी है. कैरेक्टर कई बार कनेक्ट
आज एक लास्ट पार्ट में कहना चाहूँगा कि आपकी जर्नी इन अ वे शुरू हुई है, कुछ समय पहले हुई थी, बट जर्नी में कई बार आपको ये जो बातें कुछ मुझे करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी या कुछ और करना चाहिए बातें मुझे पता नहीं, और मेरे हो सकता है कुछ बातें आपको चार पाँच साल बाद इसका मतलब क्या होता है खुद एक्सपीरियंस करेंगे तब शायद समझ में आएंगे, बट एट दिस लेवल लर्न एज मच एज कीप लर्निंग मोस्ट. मैं पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एक्टर प्रिपेयर्स का, स्कूल का, कि मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की. मुझे बहुत ही मैं मोटिवेटेड महसूस हुआ और मैं अपने आप को खुश भी महसूस कर रहा था. सामने जब जितने भी स्टूडेंट्स थे जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था उनसे, मुझे ये देख के बहुत मज़ा आया कि उनके जो सवाल हैं, उनकी जो एनर्जीज़ हैं, और वो एक हमें सीखना है. आई थिंक जितने भी बच्चे हैं यहाँ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बहुत लकी हैं कि विधिवत रूप से उनको ट्रेनिंग मिल रही है, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, कैरिकुलम है, बहुत ज़बरदस्त है स्कूल का. आई थिंक हर एक्टर को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो ऐसी ट्रेनिंग ले सके. फैसिलिटी इम्प्रूव हुई है, ये मानते हैं आप पहले के मुकाबले फैसिलिटी सभी इम्प्रूव हुई है? ऑफकोर्स, जैसे स्टूडेंट्स के लिए अभी देखिए इतना एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है जहाँ पे सब लोग बैठ के एक्टिंग के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, क्लासेस लगती हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एक्टिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स सिखाए जाते हैं, ताकि और मेंटल मेकअप किया जाता है. और जैसे आज मैं यहाँ आया, मुझे पता चला कि बहुत सारे और भी विजिटिंग फैकल्टीज आते हैं. ऑफकोर्स अनुपम खेर सर हैं और दूसरे लोग हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टी मेम्बर जो इन बच्चों को सिखाते हैं, और तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सर सबके लिए. जैसे कि आपने स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हो कहा कि सर की मैं कंटिन्यू कॉपी करता था, या टीचर्स हो या तो फैमिली मेम्बर्स की, कभी डांट पड़ी है या फिर मार पड़ी? आपको क्यों जानना है, आपको क्यों जानना है? डांट भी पड़ी है. हाँ, मतलब मैं जैसा एक बार स्कूल में टीचर की नकल कर रहा था उनके आने से पहले, तो सब बच्चे हंस रहे थे जोर जोर से, इतने में पीछे टीचर आ गए, तो मंद मंद मुस्का भी रहे थे, लेकिन मुझे फिर भी क्लास के बाहर उन्होंने भेज दिया और मैं बाहर खड़ा रहा. फिर अंदर आया अगली क्लास में, मुझे पता चल गया लेकिन उससे कि क्लास के बाहर कैसे जाया जाता. थैंक यू सर. इसके अलावा सर, फाइनली सर, इसके अलावा सब सब ठीक के लिए आप नॉर्मली जाने जाते हैं हमेशा के लिए कॉमिक के लिए, कपिल शर्मा का न्यू शो आ रहा देखा जाए तो फैमिली टाइप, तो उसमें क्या आप दिख सकते हैं वापस? हाँ, आप दिखेंगे? देखते हैं, चलिए मैं मिलते हैं, मुलाकात करते हैं. मैं इस शो का भी हिस्सा नहीं हूँ, बट या थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. నేనాడు ముంబైలో ఉన్నాను కదా స్వామి, ఏం ముంబై నుంచి ప్లాన్ మంది కాలేదు కాలేదు కదా.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.